दोस्तों, फिल्म और टेलीविजन की दुनिया से जुड़े सितारों से आपका परिचय कराने के सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस जिन्होंने काफी कम समय में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। फिर चाहे वो टेलीविजन शो जमाई राजा की समायरा पटेल का किरदार हो या फिर पॉपुलर टीवी शो मनमोहिनी की मोहिनी का किरदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायना मल्होत्रा की, जिन्होंने काफी कम समय में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। कश्मीर में पैदा हुई रायना मल्होत्रा का बचपन भारत के कई शहरों में बीता है, जैसे कि नासिक, कोलकाता, मैसूर और बैंगलोर, और शायद यही कारण है कि उनकी एक्टिंग काफी वर्सेटाइल है। दोस्तों, बचपन से ही रायना की दिलचस्पी एक्टिंग की तरफ थी और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो शायद ही कोई मौका छोड़ती थी जहां उन्हें अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स को दिखाने का मौका मिलता हो। जी हाँ, आपने सही सुना, एक उम्दा अभिनेत्री होने के अलावा वो एक ट्रेन डांसर भी हैं और वो डिफरेंट डांस फॉर्म्स जैसे कि जैज और क्लासिकल के कई कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वो डांस की इतनी शौकीन रही हैं कि वो अक्सर अपनी मैथ्स ट्यूशन बंक करके डांस सीखने चली जाती थी। दोस्तों, 26 सितंबर 1990 को कश्मीर के श्रीनगर में जन्मी रायना आज भारत की सफल अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स जैसे कि गुलमोहर गार्डन, डी फॉर गेट अप एंड डांस, इश्क बास, इच्छा प्यारी नागिन, दिल बोले ओबरॉय, इस प्यार को क्या नाम दूं और वो अपना सा में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। यही नहीं, उन्होंने वर्ष 2014 की हिंदी फिल्म बबलू हैप्पी है से अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया। इसके बाद वो एक हिंदी फिल्म द फाइनल एग्जिट में नजर आई जो 2017 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने 2014 की तेलुगु फिल्म अंथा सीन लेडू में सितारा का किरदार निभाया। दोस्तों, उन्हें अपने करियर का ब्रेक थ्रू तब मिला जब वर्ष 2020 की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए उन्हें अप्रोच किया गया। अजय देवगन और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारों से सजी इस फिल्म में रायना मल्होत्रा की एक अहम भूमिका मानी जा रही है। दोस्तों, रायना मल्होत्रा की एक अन्य बॉलीवुड एक्ट्रेस निया शर्मा के साथ किसिंग सेल्फी काफी विवादों में रही। ये तो रही उनके करियर की बात, तो चलिए अब बात करते हैं उनकी हॉबीज की। तो उन्हें डांस करना, नेल आर्ट करना और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो दोस्तों, ये तो रही रायना मल्होत्रा से जुड़ी कुछ बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।